सभी अपने जो बेलर चला रहे हैं साथी, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हम मतलब कि वो बेलर वाला इस बेलर से अधिक पैसे कमा सके और जो इसकी मेंटेनेंस है वो भी इसकी कम हो, ताकि उसका जो खर्चा होगा अगर मेंटेनेंस इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी इसके उसको प्रॉफिट होगा, मतलब कि अगर वो उसकी सावधानी रखता है। इसके लिए हम ये हमारे कंपनी से हैं अंग्रेज सिंह, ये न्यू वेलैंड के अंदर सर्विस का सारा देखते हैं हरियाणा, तो ये आपको इस चीज़ के अंदर गाइड करेंगे कि किस हिसाब से आपने इसको मतलब कि संभाल के रखना है और आपके जो ड्राइवर होंगे उनको क्या क्या चीज़ें समय समय पर इसकी करनी है ताकि ये बेलर हमारा लॉन्ग लाइफ में चल सके और कम मेंटेनेंस के अंदर। ये मैंने थोड़े इनके पॉइंट नोट करे हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे ताकि ये समय समय पर आप इसका मतलब कि पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए इसका ध्यान रखें, ठीक है। पहला है, ये एक बेलर है, जैसे हमारा हम इंसान है तो हम सुबह शाम और दोपहर और शाम को हम तीन टाइम खाना खाते हैं, तो उसी तरह ये बेलर का खाना है ग्रीस, और आपको ग्रीस का इसका मतलब कि पूरा इसको टाइम पे करना है ताकि इसकी खुराक इसको मिलती रहे और ये सही तरीके से काम करे। सबसे पहले हम ग्रीस पॉइंटों से रिलेटेड ही बात करेंगे कि ग्रीस पॉइंट का ध्यान रख के हम इसकी लाइफ को कैसे 3 या 4 गुना कर सकते हैं। सबसे पहले अंग्रेज सर जी, ये आप इसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके। सबसे पहले इसका जो शुरुआत है पीटीओ से ही होएगी, ठीक है। ये जो इसकी पीटीओ क्रॉस हैं सर जी, एक तो ये है यहाँ पे और एक वहाँ पे है, ठीक है। इनके इसके अंदर ग्रीस निप्पल हैं, समय समय पे आपके इसकी ग्रीस करनी है, ठीक है जी। और इसके सर जी जो मेन हमें ग्रीस पॉइंटों का हमें ध्यान रखना है, आप थोड़ा सा इसको डिफाइन करिए। सबसे पहले जो ये हो गया जो क्लच के अंदर पॉइंट है हमारा ग्रीस बार, इसको हमें 500 घंटे के बाद ग्रीस करनी है। ये क्लच है ना ये, और इसका एक फ्लाईव्हील बुश हो गया जिस जो हमारा सीजन में बहुत ज़्यादा घसता है, वो बिना ग्रीस के ही घसता है, वैसे घसता नहीं है, ठीक है। उसको हमने कम से कम दिन में 3 या 4 बार ग्रीस करनी है। वो उसका पॉइंट कहाँ पे है सर जी, ग्रीस घर का? ये है निप्पल जो, अच्छा ये सर जी इसका ध्यान रखा जाए, जो आगे वाला ग्रीस पॉइंट है उसको हमें 500 घंटे पे करना है और ये वाले को हमें लगातार करना है, ठीक है। दिन में चार बार। दूसरा एक इस पॉइंट ये यहाँ पर हमारा अंदर प्लंजर के सेंटर बुश, ये इसके अंदर हमारी ग्रीस पाइप नहीं है, तो जिन भी भाइयों के पास ग्रीस पाइप ना हो या नहीं कहीं पर गिर जाती है तो इसकी हम प्लास्टिक की पाइप या लगा के इससे भी हम अटैच करके इसको ग्रीस करें आप कंटिन्यू, ताकि ये जो इसको पिस्टन को खींचती है वो जो राड उसके अंदर जो बैरिंग होता है उसकी लाइफ के लिए ये ग्रीस पॉइंट है, ठीक है। इसका हमें कंटिन्यू इसके भी दिन तीन बार इसका पिस्टन की भी हमें ग्रीसिंग करनी है। और उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, एक हमारे ये गियर में लगा हुआ है निप्पल, ये एक तो ये था आपका क्लच का ताकि इसके फ्लाईव्हील के बुश का सॉरी, और ये है हमारे ग्रीस गन पॉइंट गियर बक्से के उसका। इसमें इसका एक दिन में 2 बार ग्रीस करनी है, इसमें ज़्यादा ग्रीस नहीं करनी, दिन में 2 बार करनी है वो भी हल्की। ये किस पर्पज के लिए है सर? ये इसके अंदर जो क्राउन पिनियन है उसके बैरिंग है अंदर उसके लिए है, ठीक है। अगर हम इसमें ज़्यादा ग्रीस करेंगे तो जिसकी जो ग्रीस है वो गियर बक्से के अंदर चली जाएगी। हाँ मतलब नॉर्मल करनी है दिन में 2 बार, ठीक है। और नेक्स्ट ये सेफ्टी पिन आ गया,
हाँ जी हाँ जी सर, इसका बहुत हमारे लोगों की दिक्कत परेशानी रहती है इसके अंदर। वो ये बात कहते हैं कि सर जी हमारा टाइम पे ग्रीस मतलब कि डॉग नहीं खुला, तो इसका सर जी कारण इसी कारण से होता है। ये भी ग्रीस के ही कारण से, अगर हम दिन में इसमें 3 बार ग्रीस कर रहे हैं तो ये अच्छा चलेगा। जब इसकी जरूरत होगी आपको डॉग खुलना चाहिए तो उस टाइम ये खुलेगा। अगर हम इसमें ग्रीस नहीं करेंगे ना तो जो अपना डॉग है वो लगेगा नहीं, जहाँ सीज हो जाएगा और नीडल टूट जाती है। नीडल योक जैसे कई बार जोर के लगने पे नीडल योक योक भी बेंड हो जाता है। तो ये सबसे अहम पॉइंट है ये इसको किसान भाइयों इसका हमने पूरा ध्यान रखना है। ये कई लोग कह देते हैं जी ये निडलें जी अपने आप ही टूट गई और निडल योक मुड़ गया, तो इसका जो मेन पॉइंट आएगा यहीं पर ही आके रुकता है कि हमने डॉग के अंदर ग्रीस नहीं करी है। और ये सबसे पहले डॉग टूटना चाहिए, कहने का मतलब मशीन को जब कोई हमारे दिक्कत आई है तो उसके अंदर मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप होनी चाहिए। ये डॉग ऐसे इस ऐसे आके मशीन को रोक देता है और ये सबसे पहले डॉग ही टूटेगा ताकि हमारी नीडलें नीडल योक नोटर ये सब बच सके। और अगर हम इसमें ग्रीस नहीं करेंगे ये अपनी जगह पर ही रहेगा और ये मशीन का जो है अपना वो आगे और चीज़ों को नुकसान करेगा, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। पूरा जो गांठ बनाने में यही सहायता करता है हमारा, इसमें लगभग 21-22 निप्पल हैं, उनको दिन में 3 या 4 बार ग्रीस होना जरूरी है पूरे दिन में। सर जी इसी ने ही आपका सारा काम करना है। अगर इसके अंदर हम ग्रीस नहीं करते ये तो दूसरे दिन ये जाम हो जाएगा और ये जाम होने के बाद ये इस मटेरियल की घिसाई शुरू हो जाएगी, मतलब कि ये इंटरनल घिसना शुरू हो जाएगा और इससे इसकी लाइफ कम हो जाएगी और आपके काम के अंदर इतनी ब्रेक डाउन आएगी जैसे धागा बार बार खुलना और ये मटेरियल घस जाना, ढील पड़ जाना नोटरों के अंदर, नोटरों के नाइफ आर्म के अंदर ढील हो जाना। तो ये सबसे अहमियत इसकी है, बहुत रोल है इसके अंदर सर। इसकी जो पॉइंट हैं हमें जो हमारी ग्रीस गन जिसके हमने जिससे ग्रीस करनी है इसके भी हम आपको थोड़ा सा बताएं कि आपको सर इसके अंदर आपको बड़े वाली ग्रीस गन लेनी है जो 5 kg की आती है जिसकी लंबी पाइप होती है, उससे ही आप वो ग्रीस गन लें। उसके अंदर आप 50% मतलब कि एक हिस्सा आपका ऑयल होना चाहिए, जैसे इंजन ऑयल डाल लो उसमें, गियर ऑयल डाल लो चाहे जैसा भी है, और बाकी 1/3 आपका ग्रीस होना चाहिए ताकि वो पतली बन सके और हमारे सही पॉइंटों में सही प्रॉपर तरीके से जा सके। वो ग्रीस गन लोगे उससे आपका एक तो ये बेनिफिट रहेगा उसमें जोर कम लगता है हमारा उस ग्रीस गन से, और करने वाले को भी आसानी है और उसका प्रेशर भी अधिक होता है जिससे आपके जितने भी पॉइंट होंगे उनमें अगर कोई बाय द वे जैसे अब आपने ग्रीस नहीं करी है तो उसका कचरा बन जाता है मटेरियल का लोहे का, वो इसके ग्रीस निप्पल में आके फंस जाएगा। तो ये चीज़ों का हमने समय समय पर ध्यान देना है ताकि घसने से पहले ही हम इसको ग्रीस करें। और एक चीज़ का और ध्यान देना है इस ये इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं जी क्लीनर और इस पे अगर हमारी ग्रीस लग जाती है तो ये फिर थोड़ा इसका ध्यान रखें इस पे ग्रीस ना लगे। अगर इस पे डिस्क पे ग्रीस लग जाए तो फिर बार बार बेल्स का धागा मतलब कि नहीं बनता, तो ग्रीस करते टाइम हमने ये चीज़ का ध्यान देना है। ग्रीस करने के बाद पूरे निप्पल बिल्कुल साफ हो। अच्छा, करने जैसे ग्रीस करने के बाद सारे निप्पलों को अच्छी तरह सफाई करें ताकि वो ग्रीस डिस्को पे ना लगे, ताकि वो धागा स्लिप ना करे। और सर इसके अंदर जो ग्रीस पॉइंट है इसका जैसे कई बार फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं ग्रीस और हमारे आपने बताया हैं 22 पॉइंट हैं इसके अंदर, हमारे 15-20 में हो गया और 4-5 में नहीं हो रहा, उस टाइम हमें क्या करना है? ग्रीस तो करना ही है सर, ग्रीस करने के बिना तो बेलर चलेगी नहीं। वो तो ठीक है, अगर बाय द वे एक दो सुराख हमारा बंद हो गया तो हमें ये ग्रीस निप्पल खोल के दूसरा ग्रीस निप्पल लगा दें। इसको खोल के डीजल से या किसी और से, जैसे ये निप्पल हमारा बंद हो गया, हाँ जी इस निप्पल को खोल लो, हाँ जी खोल के इसके अंदर डीजल वगैरह डालकर जैसे इंजेक्शन टाइप में एक हम डीजल डालें ताकि वो इसमें मूवमेंट हो सके और उसके बाद फिर हम इसमें ग्रीस निप्पल नया लगा के या उसी को ही अच्छी तरह सफाई करके वो चल फिट करें। अच्छा वो चल जाएगा।
ठीक है सर, इसके अंदर जैसे आपने मोटा मोटा बताए हैं यहाँ जितने भी ग्रीस पॉइंट हैं इनको सबको ग्रीस करनी है, ठीक है। इसके अलावा सर जी और एक इसके अंदर ये ट्वाइन फिंगर है हमारा, इसको लीव बोलते हैं। हाँ जी, जो ट्वाइन फिंगर बैरिंग है इसका भी खास ध्यान रखना है हमने, सीजन में चलते टाइम अगर ये टूट गया तो जो हमारी ट्वाइन फिंगर रॉड है बिल्कुल बेंड हो जाएगी और ये हमको नहीं डालनी पड़ेगी, ये बार बार बेंड होगी चलेगी नहीं। और सर इसका बेंड होने का कारण कुछ और कारण है, सबसे पहले कारण ये अगर ये बैरिंग टूट गया अच्छा, तो उसकी जो अलाइनमेंट है वो आउट हो गई। अच्छा, तो जहाँ जब हमारी निडल चलेगी और ये कहीं ना कहीं जाके फंसेगी उससे बेंड होगी। ओके ओके, ये बैरिंग है इसका खास ध्यान रखना है हमने, ठीक है। ये बैरिंग है इसको, ठीक है। और सर इसके अलावा कोई इसमें छह डॉग लगे हुए हैं हमारे, हे डॉग जो हमारा माल मटेरियल आ रहा है प्लंजर पीछे पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं ना, तो इसमें डॉग लगे हुए हैं छह। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है। तीन ऊपर तीन नीचे, इनका भी खास ध्यान रखना, इनका अगर स्प्रिंग टूटता है कोई भी तो उसको नया डालो, अगर हम इसको टूटा हुआ वैसे ही चलाएंगे तो उसमें भी एक एम रोल है जो निडल टूटने का है। Okay. जो प्लंजर ने माल पीछे की तरफ भेजा है तो डॉग ने उसको वहीं रोक लेना है, ठीक है। अगर हमारे डॉग ही नहीं होंगे इसमें तो जो माल है वो एक बार पीछे आएगा तो फिर वापस चला जाएगा। अच्छा। और जब हमारी निडल ऊपर आएगी तो निडल टूटने की, डॉग भी अगर टूटा हो तो उसको समय पे बदलना, समय पे बदलना है। सबसे मेन एक ये डॉग हो गया हमारा, अच्छा, जो हमारे क्लच की तरफ है। अच्छा, इस डॉग का हमने पूरे सीजन में हर रोज इसका जो स्प्रिंग है ना वो चेक करना है, ये घस जाता है तो उसको बदलना है। टूटा हुआ है तो उसको बदल दो, अगर ये टूटा टूट गया स्प्रिंग है तो ये डॉग है हमारा साइड में आकर ये केम है, देखो इसके साथ टकरा जाएगा, ये टूटती है, ठीक है। सर जी देखो, आपको हमने पहले ही बता दिया है कि सीजन में हमें कैसे ध्यान रखना है ताकि हम अपनी जो नुकसान को हम कैसे रोक सकते हैं। देखो हमने पहले अलर्ट कर दिया है, ये डॉग ही टूटता है ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग पे थोड़ा ज़्यादा दबाव रहता होगा और ये घस जाता है, तो इसका हमें ध्यान देना है ताकि इसका इससे हमारा और अधिक ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। और सर इसके बाद सर इस साइड के पॉइंट, सर जी ये ग्रीस पॉइंट, एक ये निडल योक है हमारा, ठीक है, जहाँ निडलें फिट होती हैं, इसके दोनों साइड में ये ग्रीस निप्पल हैं सर, इनका ये कंटिन्यू ये भी हर टाइम चलते हैं और इस पर भी हमें ग्रीस का ध्यान रखना है ताकि ये इसकी हमारे बुशे हैं इसकी लाइफ रहे। और ये इसकी कनेक्टेड रॉड है, इसके भी दो ग्रीस पॉइंट हैं, एक ये रहा इसके, थोड़ा दूर से भी दिखाओ ताकि इनको समझ आ जाए कस्टमर को, ये देखो दूर से एक पॉइंट वो रहा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा ये देखिए, ये मशीन है, ये हमारा नीडल योक हो गया नीचे और ये उससे कनेक्टिंग रॉड हो गई है, इसमें भी ये रहा ग्रीस पॉइंट एक, और एक इसका ये हमारा ऊपर रहा, ठीक है, दो पॉइंट ये हो गए हैं, एक इस तरफ हो गया एक परली तरफ हो गया। और सर इसके अलावा ग्रीस पॉइंट इसके ये लगते हैं सर जी, इसका हमारी आपसे यही प्रार्थना भी है कि आप जो हमारी समझाई हुई बातों का थोड़ा गौर करें ताकि आपकी बेलर की लाइफ अधिक से अधिक हो सके, ठीक है सर, धन्यवाद। इसके अंदर हम ग्रीस पॉइंट से रिलेटेड हमने बात करी है, अगला पॉइंट हम दूसरे टॉपिक पे करेंगे। हमारे गुटके हैं जिसे हम अपनी देसी भाषा में कहेंगे, और इसके अंदर सर ये ग्रीस पॉइंट हैं, ये हमने देखा है 100 में से 50% लोग इसको ग्रीस करते हैं, इसका बहुत रोल है, ये मतलब कि कंटिन्यू घूमती है, जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे वैसे ही ये ऊपर नीचे होती है, तो इस पे भी हमें ग्रीस का ध्यान रखना है सर, कम से कम 3 बार दिन में, दिन में 3 बार सर। अगर इसको आप इसी से फीडर से कनेक्टेड एक ये ग्रीस पॉइंट भी है, इसका भी ये पिन होती है, अगर इसके अंदर हम ग्रीस करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ चलेगा और इसकी घिसावट भी कम होएगी, ठीक है सर। और उसके बाद एक ग्रीस पॉइंट ये रहा हमारा, ये हमारे आइडलर का रिलेटेड कि हमने जब हम बेलर चला रहे हैं तो हमने पिकअप का कैसे ध्यान रखना है सर जी, एक तो थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं भी हम इसके बैरिंगों की लाइफ कैसे बचा सकते हैं, उसके अंदर हमने क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो ये हमारा हो गया विंड गार्ड,
कई लोग सर उसको उतार के फेंक देते हैं, उसका बहुत नुकसान है सर। अगर उसको उतारेंगे तो इसका नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये काम करता है जो मशीन, कितना मशीन को मटेरियल चाहिए। अच्छा, उसका काम करता है ये उससे। इसको उतारने के बाद तो जितना मर्जी चला जाए, जितना मर्जी जाएगा जी। हमारी रोड है ना, रोड कनेक्टिंग रोड, ये टूटती है, और जो प्लंजर नीडल है उनमें वो भी टूटती है। फिर कस्टमर बोलता है कि ये दिक्कत आ गई, कैसे आ गई वो। अच्छा, असल अच्छा। बात बताता है जो ये विंड गार्ड है इसको कभी भी उतार के नहीं रखना। ठीक है, ओके। सर जी ये ध्यान से आप सुने कि ये गार्ड नहीं उतारना। कई लोग इसको उतार के फेंक देते हैं जी, वैसे ही दिक्कत दे रहा है। तो इसका भी रोल है, ये माल को ज़्यादा नहीं जाने देगा। अगर ज़्यादा नहीं जाने देगा तो आपके फीडर जो होते हैं उनकी काटरें टूट जाती हैं, ये भी उसी वजह से होता है। फीडरों की टाइमिंग आउट हो जाती है, ये भी उसी वजह से होता है। तो इसका हमने ध्यान रखना है। इसके सरियों को टाइम टू टाइम, कई बार ये निकल के गिर जाते हैं, इस पर थोड़ा वेल्डिंग वेल्डिंग का काम करवा लें ताकि ये मजबूती से रहें। ठीक है। और सर इसके बैरिंगों को हम समय समय पर कैसे धागा फंस जाता है? दो बैरिंग इसके जो पीटीओ मेन शाफ्ट है इसकी सेंटर वाली, उसमें दो बैरिंग है। हाँ जी हाँ जी, एक इधर एक उधर। हाँ जी, दोनों जो ये वाला बैरिंग है हमारी, जब गांठ खुल जाती है खेत में तो कस्टमर क्या करता है, उसमें जो धागा होता है ना, धागा ऐसे ही बेल बना देता है उसका, जो उसका धागा है वो इधर आके लिपट जाता है बैरिंग के साथ, बैरिंग के साथ लिपट जाता है, जिसके कारण जो बैरिंग की सील है वो टूट जाती है, बैरिंग डैमेज हो जाता है। इसका यही है कि हर रोज अपने जो भी ऑपरेटर है उसको बोलो कि ये गार्ड अपना खोले और उसको साफ करे। और फिर सर वो धागा तो बिल्कुल कोने में है, उसको कैसे मतलब कि किसकी कोई प्रॉपर कोई वो एक बना लेते हैं कस्टमर, हर एक कस्टमर एक के पास मतलब कि जैसे कुंडी सी बना लेते हैं। हाँ हाँ। तो उससे हम ये इसकी धागे की जितना भी वेस्ट धागा है वो हम उसको, अगर हम हर रोज इसको साफ कर रहे हैं तो धागा उसमें इतना होगा नहीं। अगर हम 15 दिन या 20 दिन बाद करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी उसको उतारने में। अगर हम हर रोज या एक दिन छोड़कर इसको साफ कर रहे हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, ओके। और सर इस साइड भी सेम ही बैरिंग है ना? से एक केम इधर है, उसमें 5 बैरिंग है। ओके ठीक है, 5 बैरिंग हर रोज उसको चेक करना है कि कहीं टूटा, अगर एक भी बैरिंग टूटा हुआ चल गया तो हमारी केम गई। अच्छा, तो ये हमें इन 5 बजे ये केम है यहाँ पे सर हमारे। अगर हमारे पास इस समय खुली हुई बेलर मशीन नहीं है, नहीं तो आपको हम दिखाते। इसके अंदर 5 बैरिंग चलते हैं, छोटे हैं वो, और वो कंटिन्यू जैसे ये पिकअप घूमती है तो साथ साथ वो भी घूमते हैं। अगर एक बैरिंग भी टूटा होगा तो वो टूटा हुआ बैरिंग इसकी केम की जो फेस है उसको ख़राब कर देगा। तो ये सर अगर ये टूट जाए तो उसको ये अपना गार्ड खोलो सुबह। हाँ जी, तो साइड में विंडो लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे इस साइड है ये विंडो, यहाँ से खोल कर उसको हम 5 या 10 मिनट में चेंज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता चेंज करने। ठीक है सर, ये आप इसको समझे भाई, ये बैरिंग बदलने के लिए हमें यहाँ से नट खोलना है और वो अपना बैरिंग टूटा हुआ खोल के नया लगा दें। तो बिल्कुल ईजी वर्क है, थोड़ा समझदारी से चलें और अधिक लाभ कमाएं। ये साइड में बिल दिया हुआ है एक पिकअप का। हाँ जी हाँ जी, तो कस्टमर क्या बोलता है कि इसमें होल करके नीचे कर देता है इसको, ये अच्छा। गलती भी मत करना। इसका कारण यही है कि जो पिकअप की टाइन है, अपना पिकअप की टाइन है, वो जमीन से 1 से 1.5 इंच का गैप रखना जरूरी है। जरूरी है, ओके ओके। सर एक और है, जैसे अधिक माल आ जाता है तो आप ड्राइवर को क्या सलाह देंगे कि पिकअप को ऊपर नीचे करने से भी वो कई लोग ऐसे करते हैं कि इसके अंदर जब अगर ज़्यादा माल आ जाता है तो पिकअप को ऊपर नीचे उठा देते हैं ताकि वो माल इजीली चला जाए। वो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम ट्रैक्टर स्पीड में चल रहे हैं। अच्छा, ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ये विंड गार्ड है इसकी, इसको खोलने की जो है आप 6 से 8 इंच कम खोल सकते हैं, वो उधर साइड में दो नट लगे हुए हैं। ठीक है, ये 2 बोल्ट लगे हैं इधर, इससे हम जो विंड गार्ड है इसको 6 से 8 इंच खोल सकते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे अब ये पूरा खोला हुआ है, अगर हम इसको पूरा खोल कर भी चलाएंगे तो उसका बहुत नुकसान है, वही। अच्छा, सेम निडल टूटेगी जो अपना ये फीडर है। ये कंपनी की तरफ से स्पेसिफिकेशन में है भी ये इतने पे चलाएं तो इतना 6 से 8 इंच। ठीक है, और सर इसके बाद इसके फीडरों के बैरिंग के रिगार्डिंग, जो पिकअप है इसकी जो उठाने का वेट हम इसे 11 से 13 किलो हम जब इसको उठाते हैं ना तो इतना वेट होना चाहिए जैसे 11 से 13 किलो के बीच। अच्छा, तो जो हम खेत में चल रहे हैं कई भी उसमें पत्थर आ जाता है या लकड़ कुछ भी आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ऊपर और नीचे चली जाएगी। अच्छा, अगर इसमें दो साइड पीछे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं
अच्छा, उनको हम टाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका 13 से 11 किलो वेट आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो सर वो बैरिंग हमें स्प्रिंग है वो कसने पड़ेंगे, टाइट करने पड़ेंगे, टाइट करने पड़ेंगे। तो वैसे जो नॉर्मल कंपनी से फिटेड आता है वही रहने दें या कई बार कस्टमर अपने आप ही कर देता है ना, उनको ज़्यादा लूज कर देता है, एक दफ़ा टाइट होता है तो उसको लूज कर दिया तो इसका वेट बढ़ेगा, अगर टाइट करेंगे तो कम होगा। अच्छा, जैसे अभी ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो पिकअप से रिलेटेड इतना फंक्शन काफ़ी है या इसके अंदर कुछ और हमें समझाने की जरूरत है? इतना कर ले कस्टमर बहुत है सर। इसकी पाइप भी बहुत लोग कहते हैं कि ये टूट गई है, जो इसकी पिकअप उठाने वाली पाइप है, इसके अंदर हम अपनी पाइप को कैसे बचा सकते हैं सर? इसकी सबसे एक सेफ्टी यही है कि जो हमारा ट्रैक्टर है हाँ जी, उसका प्रेशर कम से कम होना चाहिए। अच्छा। जो इसमें हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है ना वो बिल्कुल छोटा है। ओके, तो जो अगर हमारा ट्रैक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर लगा है तो बेस्ट है, अगर हम नॉर्मल ट्रैक्टर के साथ चला रहे हैं जैसे उसको ज़्यादा उठाया तो ट्रैक्टर कंट्रोल नहीं करता उसमें, लगातार वो जो ऑयल वो भेजता रहता है जिसके कारण ये पैर फट जाती है। ओके ओके, पर सबसे पहले जो ट्रैक्टर है ट्रैक्टर पे डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए तो उसका जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए। ओके, और सर इसकी हम सेफ्टी के लिए इसके ऊपर एक पाइप पानी वाली होती है, हमारे घरों में आपने देखा होगा जो सी आम पाइप है, तो वो पाइप इसके ऊपर चढ़ाएं लंबी पीछे से लेके यहाँ तक, ताकि अगर कोई कहीं ये फंस जाती है या किसी तरह से कोई दबाव आता है तो वो पाइप कटे ना कि हमारी पाइप कटे। ठीक है, वो जो प्लास्टिक का है जो सेफ्टी पाइप हम कह रहे हैं जिसको, वो कट जाएगी, ये अपने अंदर वाली सेफ्टी। ठीक है, और पर ये आपने पिकअप के ओ अच्छा इसके अंदर टाइने हैं, ये सर टाइनों का भी बहुत रोल है? बहुत रोल है सर इनका भी, ये अगर हमारे इसमें मार के चलो कि बेलर में टोटल 55 टाइन लगी हुई है। अच्छा, अगर इनमें से एक भी एक दो तीन चार मिस होगी तो उसको कोई साथ साथ में अच्छा साथ साथ में बदलते रहेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा सोचते हैं कि हम आज नहीं कल नहीं परसों डाल लेंगे तो वो टूटती जाएंगी, जो कि माल है एक जो पिकअप चल रही है हमारी, हाँ यहाँ से माल इकट्ठा हुआ, यहाँ से 3 टाइम टूट गई, हाँ तो माल यहीं रुकेगा, तो एकदम फिर वो माल अंदर जाएगा तो बेलर को नुकसान है। ठीक है, कहने का मतलब अगर एक भी टूटती हो तो एक भी बदलें, आप ये ना सोचें भी कोई बात नहीं इतनी सारी हैं एक टूट गई है कोई ऐसी बात नहीं है, तो एक एक टाइम का भी बहुत रोल है। ठीक है सर, और सर ये है इसकी पिकअप की ये चैन है, इसका जो एडलर है इसको समय समय पर चेक कर लो, यहाँ पर कवर लगा होता है। हाँ जी, तो कस्टमर क्या देखते उसको खोल कर ही नहीं देखता। अच्छा, कवर को तो एंड में क्या होता है जब ये हमारी चैन है ये लूज होकर ये जो सब प्रॉप्ट है ये बिल्कुल फ्री हो जाती है, बाद में जब बिल्कुल फ्री हो जाती है उस टाइम ये खोल कर देखता है पिकअप हमारी रुक के होंगे। अच्छा, तो ये अगर समय समय पर इसकी हम कसाई करेंगे तो हमारी ये जो इसके दांते हैं इसकी लाइफ रहेगी, अगर हम इसको खोल के ही नहीं देखेंगे घसने के बाद देखेंगे तो आपको ये गरारी भी बदलनी पड़ेगी, ये भी बदलनी पड़ेगी और चैन भी। तो अगर हम इसको समय समय पर टाइट रखेंगे तो हमारी ये दोनों चीज़ें भी सेफ रहेंगी और ये भी और आपकी काम की भी चाल बनेगी। ठीक है सर, ये पिकअप से रिलेटेड हमारे लगभग सारे पॉइंट खत्म हुए हैं, तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो अदर पॉइंट पे लेके बात कर रहे हैं इसके प्रेशर से रिलेटेड, जिसके लिए ये बेलर फेमस है भाई, इसकी जो प्रेशर का ये हमारी बेल है ये बिल्कुल ठोक के जैसे प्रेशर के साथ इसको गांठ को बनाता है ताकि हमारा मतलब कि उसका वजन हैवी वेट बन सके और ताकि हमारी ट्रांसपोर्ट के अंदर वो मतलब कि हमारी बचत हो सके उसके अंदर, क्योंकि अगर आपका एक एक ट्राली के अंदर अगर 1000 क्विंटल माल है हमारा तो वो कम स्पेस के अंदर आएगा। ठीक है, ताकि हमारा ले जाना भी इजी रहेगा, हमारा धागे की भी बचत होगी, तो ये इस चीज़ का जो प्रेशर का रोल है इसके अंदर न्यू हॉलैंड के अंदर आपका इसका हमें कैसे ध्यान रखना है सर जी? ये इसके प्रेशर का तेल है, इसमें तेल ऑयल डला हुआ है इसमें 1 से 1.5 लीटर। अच्छा, इसमें जो हाइड्रोलिक पाइप जैक लगा हुआ है पीछे, हाँ जी ये मीटर लगा हुआ है उसका प्रेशर मीटर। ये सर जी इसके रिगार्डिंग भी हमने थोड़ा सा बताना है हमारे जमींदार भाइयों को, कहीं हमारे बेलर जो किसान भाई बेलर ले रहे हैं उनके जो नौकर हैं वो ये कहते हैं सर जी
ये सर जी पानी भर गया इसके अंदर, ये देखो आप इसके अंदर सर लिक्विड है, ये कंपनी की तरफ से ही इसमें लिक्विड है, ये देखो ये इसमें यहाँ तक लिक्विड है। तो ये लिक्विड का रोल ये है कि ये इसकी जो प्रेशर को जो बताएगा तो इसमें वाइब्रेशन ना रहे, इस पर्पज़ के लिए है इसके अंदर। कई लोग सोचते हैं इसमें पानी भर गया, इसका शीशा तोड़ दो, इसका पानी निकाल दो, कई कस्टमर ऐसे भी रहे हैं। तो हमने इसको तोड़ना नहीं है और इसका हमने ध्यान रखना है, कई बार इसके अंदर कम हो जाता है ऑयल तो वो हमारी समझो प्रेशर गेज ख़राब हो रही है, ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। और सर इसके अंदर जो तेल पड़ता है वो हमें कितने टाइम बाद बदलना होता है? सीजन के बाद। अच्छा, इसका जो तेल है हमें सीजन के बाद बदलना है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा ट्रांसमिशन ऑयल डलेगा वो आपको एक सीजन के बाद बदलना है। और सर इसका हमें प्रेशर कितना रखना है, और मतलब जैसे हमारा सूखा माल है उस टाइम हमें कितना प्रेशर पे काम करना है? वो प्रेशर ऐसे तो कोई भी कस्टमर चेक नहीं करता, जैसे हम खेत में बेलर चल रहा है तो उसका जो खेत में मटेरियल है उसका मॉइस्चर देख लो, भी सूखा है गीला है। हाँ। अगर फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा है तो जिस जैसे बेल है बेल को बिल्कुल सीधा खड़ा करो, उसको ऐसे दबाओ। अच्छा। अगर वो दबती है तो हल्का प्रेशर कर दो, जैसे 1 से 1.5 प्रेशर। अगर हम 3 या 4-5 करेंगे तो वो हमारा जो प्लंजर है, सेफ्टी डॉग है, अपना फ्लाईव्हील बुश है, सेफ्टी शेयर बोल्ट है, उस पर नुकसान आएगा। जितना हम हैवी प्रेशर करेंगे, जो इसकी चासी है बेलर की, हाँ उस पर भी प्रेशर पड़ेगा। जब हम पीछे हैवी प्रेशर कर देंगे 5 से 6, 4 से 5, 6, 3 से ऊपर जितना भी करेंगे, हाँ, तो जो प्लंजर है वो लगातार चलेगा। अच्छा। चलने के बावजूद जो हमारी चासी है प्लंजर ऐसे ऐसे बजेगा अंदर, जो चासी है बाहर की तरफ निकल जाएगी, जो हमारी प्लंज अलाइनमेंट है वो फिर बिल्कुल सही नहीं रहेगी। नाइफ है जो आपस में गैप है उनका, गैप है, वो भी खत्म, वो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसका सर इसका मतलब यही है कि इसका प्रेशर हम पहले खेत चेक कर लो भी उसमें कितना मॉइस्चर है। अगर हमें समझ नहीं आ रहा है तो बेल को उठा कर ऐसे दब देखो, जब हम ऐसे दबाएंगे तो अगर हमारी बेल जो है वो दब रही है तो हम प्रेशर दे सकते हैं हल्का, अगर नहीं दब रही है तो नहीं, तो उसमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, इसके अंदर आपको समझ आई बात भी, हमें प्रेशर का अगर पता कराना है तो हम कैसे कर सकते हैं। वैसे सर जो हमारा भी थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है 2-3 साल से बेलर हम सेल कर रहे हैं भाई, इसके अंदर एक तो ये रोल है कि हमें प्रेशर जो नॉर्मल रखना है वो 1.5 और 2 के बीच में हम इसको चलाते हैं नॉर्मल। अभी अगर कई बार हमारा ज़्यादा ही सूखा माल हो तो उस टाइम आप इसको 3 पे लेके जाएं, नहीं तो इसको 2 पे रखें। और सर रात को कितना प्रेशर रखना है? रात को तो सर बिल्कुल जीरो, रात को तो बेलर चलेगा भी नहीं सर। तो जी लोग तो यहाँ पे रात को ही चलाते हैं, फिर वही तो नुकसान कहते हैं जी, दिन में कोई तंग नहीं करता इसलिए हम रात को बनाते हैं। वही है ना सर, जैसे जैसे हम मॉइस्चर में बेलर चलाएंगे बेलर की लाइफ कम होती जाएगी, तो हमें गिले में इसको नहीं रात को नहीं चलाना, रात को चले गए नहीं, 7-8 बजे के बाद चले गए। ठीक है, तो सर जी इसको हमने जो अपनी इसकी लाइफ बढ़ानी है बेलर की, तो आप इसको रात के वक्त ना चलाएं, दिन में ही चलाएं जिस टाइम माल सूखा हो, ठीक है। अगर आप इस चीज़ पे चलाएंगे तो आपकी बेलर की लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा रहेगी, कम से कम ये 5-6 साल इसकी लाइफ रहेगी अगर आप इसका ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो सर इसके अंदर जब हम गिल्ले में कई बार मजबूरी हो जाती है किसी को 1-2 किल्ला बनाना है, तो उस टाइम हमें रात के समय अगर बनाना पड़े तो हमें कितना प्रेशर में हम इसको? जीरो प्रेशर सर, बिल्कुल जीरो। सर जी इसके अंदर आपने, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जीरो प्रेशर पे ही काम करना है अगर करना है तो, क्योंकि जो चैन है ये भी उतार दो। अगर हम लग रहा है ना, अगर हम जीरो प्रेशर कर दिया तो जो हमारा पंप है वो काम तो करेगा ही। हाँ हाँ, जो पंप है काम करेगा तो उसका ये चैन उतार दो, फिर ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अच्छा चलो, हमने सर जी कोशिश यही करनी है कि रात को ना काम करें, दिन में ही करें, जो करें अच्छे तरीके से बनाएं, ठीक है सर। प्रेशर से रिलेटेड कोई और चीज़ हमें, ठीक है यही है ना सर। इसकी हमें ये यहाँ पे इस भाई ने तो जुगाड़ बना लिया है, तो कई बार हमारे पॉइंट होते हैं, एक साइड से इसका प्रेशर कम होता है, एक साइड से बढ़ता है, तो ये हमें समय समय पर इसका ध्यान रखना है। ठीक है सर, प्रेशर से रिलेटेड हमारा टॉपिक यहीं पर ओके होता है, ठीक है ओके।